दूंगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम बेटे हमने डिस्कस किया था फेरिंग्स, इसोफेगस, जिसमें हमने पेरिस्टाल्सिस तक डिस्कशन की थी। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है अब स्टमक से, हमने आगे स्टमक से स्टार्ट करना है कि स्टमक में का फंक्शन क्या है, स्टमक में की शेप किस तरह की है, स्टमक का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और फिर उसके फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म होते हैं। तो नेक्स्ट बेटे टॉपिक हमने डिस्कस करना है स्टमक। स्टमक सबसे पहले बेटे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि स्टमक के का जो इंटरनल पोर्शन है, या सबसे पहले हम ये कहें कि हम इसकी डेफिनेशन पहले डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है बेटे, इट इज़ द डायलेटेड पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मैं रिपीट कर रही हूँ एक दफ़ा, डायलेटेड पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डेफिनेशन है। स्टमक इज डायलेटेड पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब बेटे डायलेटेड किसे कहते हैं? डायलेटेड कहते हैं बेटे वाइड को, खुले को। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल देखें तो एलिमेंट्री कैनाल सारी की सारी ट्यूबुलर है। माउथ से एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जितने भी हिस्से हैं ये सारे के सारे ट्यूबुलर पार्ट्स हैं। लेकिन इन पार्ट्स के अंदर जो स्टमक है, स्टमक कंपैरेटिवली डायलेट होता है, वाइड होता है, खुला होता है। तो जो स्टमक है ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे खुला हिस्सा है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे डायलेटेड पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कि ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे खुला हिस्सा है, वाइड पोर्शन है। उसके बाद अगर हम इसके शेप की बात करें, इट इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन। ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है और ये कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेटेड बिलो डायाफ्रैम, बिलो डायाफ्रैम। अब डायाफ्रैम क्या होता है बेटे? डायाफ्रैम एक मस्कुलर शीथ है हमारे लंग्स के नीचे। लंग्स के नीचे एक मसल की शीथ लगी हुई है, उस मस्कुलर शीथ को डायाफ्रैम कहते हैं। डायाफ्रैम के नीचे जो है ईसोफेगस, सॉरी स्टमक लोकेटेड है, जो कि जे शेप्ड ऑर्गन है। अब हम बेटे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि स्टमक जो ऑर्गन है ये किस तरह से जे शेप्ड है। ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस के फौरन बाद जो ऑर्गन स्टार्ट हो जाता है उस ऑर्गन को हम कह रहे हैं यहाँ पे स्टमक। जे शेप्ड ऑर्गन है और कंपैरेटिवली डायलेटेड है, वाइड पोर्शन है। अब बेटे अगर हम इसके हिस्सों की बात करें, पार्ट्स की बात करें, तो हम स्टमक को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से को कहते हैं बेटे कार्डियक पोर्शन, कार्डियक पोर्शन, और आखिर वाले हिस्से को कहते हैं बेटे पाइलोरिक पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन। कार्डियक पोर्शन है और पाइलोरिक पोर्शन है। अब हम ये आगे डिस्कस करेंगे कार्डियक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन क्या होता है, किस हिस्से को कार्डियक पोर्शन कहते हैं, इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टमक जो है बेटे एक जे शेप्ड ऑर्गन है जिसके दो हिस्से हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? टू पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स ऑफ स्टमक। स्टमक को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा क्या है? नंबर वन है बेटे कार्डियक पोर्शन। पहले हिस्से को हम कार्डियक पोर्शन कहते हैं। ये कौन सा हिस्सा है? वो पार्ट, पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक का वो हिस्सा जो कहाँ से स्टार्ट होता है? दैट स्टार्ट आफ्टर एसोफेगस। जो एसोफेगस से स्टार्ट होता है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? कार्डियक पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट अगला पोर्शन कौन सा है बेटे? दूसरा पोर्शन है पाइलोरिक पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन। पाइलोरी बेटे ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है दरबान, यानी जहाँ पे जो चीज़ ख़त्म हो रही हो, जो रखवाला हो, उसे पाइलोरी कहते हैं ग्रीक में।
अब पाइलोरिक पोर्शन वो पोर्शन है जो आफ्टर कार्डियक पोर्शन होगा, कार्डियक पोर्शन के बाद जो हिस्सा स्टार्ट हो रहा है उस हिस्से को हम कहेंगे पाइलोरिक पोर्शन। ये क्या है, पार्ट दैट स्टार्ट, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, आफ्टर कार्डियक पोर्शन, जो कार्डियक पोर्शन के बाद आ रहा है उस हिस्से को हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक पोर्शन कहेंगे। अब स्टमक के स्ट्रक्चर में एक और चीज़ भी है, वो क्या है, देयर आर मसल, जो कुछ इसकी एंट्री पे, स्टमक के एंट्री पे और स्टमक के एग्जिट होने पे मसल्स के फ्लैप्स लगे हुए हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्फिंक्टर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग में दे रही हूँ बेटे स्फिंक्टर्स की, स्टमक में क्या है, स्फिंक्टर्स लोकेटेड हैं। कौन कौन से स्फिंक्टर्स हैं बेटे, स्फिंक्टर्स होते क्या हैं, स्फिंक्टर्स हैं बेटे देयर आर फ्लैप्स ऑफ मसल्स, फ्लैप ऑफ मसल्स लोकेटेड एट स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ स्टमक, स्टमक के शुरू में और स्टमक के एंड में कुछ फ्लैप्स हैं मसल्स के, उनके उन्हें क्या कहते हैं, स्फिंक्टर्स कहते हैं। अब जो सबसे पहले स्फिंक्टर प्रेजेंट बिटवीन एसोफेगस एंड कार्डियक पोर्शन इज कॉल्ड, इस मसल को हम क्या कहेंगे, इस मस्कुलर फ्लैप को कहेंगे कार्डियक स्फिंक्टर। ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, स्फिंक्टर प्रेजेंट बिटवीन एसोफेगस और कार्डियक पोर्शन, कार्डियक पोर्शन और एसोफेगस के दरमियान जो स्फिंक्टर है उसे हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं बेटे कार्डियक स्फिंक्टर, कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। दूसरा क्या है बेटे, दूसरा है पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर किसके दरमियान है, स्फिंक्टर प्रेजेंट बिटवीन पाइलोरिक पोर्शन एंड, इसके बाद आगे क्या स्टार्ट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं डोडेनम। ड्यूओडेनम क्या है, ड्यूओडेनम है बेटे वो हिस्सा जो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्टार्ट होती है उसका पहले हिस्से को कहते हैं ड्यूओडेनम। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट, पाइलोरिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन पाइलोरिक पोर्शन एंड ड्यूओडेनम, पाइलोरिक पोर्शन और ड्यूओडेनम के दरमियान एक स्फिंक्टर लोकेटेड है उसे हम क्या कहेंगे, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। मैं एक बार फिर से स्टमक के स्ट्रक्चर को रिपीट कर रही हूँ, स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का डायलेटेड पोर्शन है, सबसे खुला हिस्सा है, ये जे शेप्ड ऑर्गन है, इसके स्ट्रक्चर में कार्डियक पोर्शन है, पाइलोरिक पोर्शन है, कार्डियक पोर्शन स्टार्ट होता है आफ्टर इसोफेगस, पाइलोरिक पोर्शन स्टार्ट होता है आफ्टर कार्डियक पोर्शन। उसके बाद स्फिंक्टर्स हैं, स्फिंक्टर्स किसे कहते हैं, फ्लैप ऑफ मसल्स हैं जो स्टमक के स्टार्ट और स्टमक की एंडिंग पे लोकेटेड हैं। अब दो तरह के स्फिंक्टर हैं, एक है कार्डियक स्फिंक्टर, एक है पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पे लोकेटेड है, इसोफेगस और कार्डियक पोर्शन के दरमियान एक मस्कुलर फ्लैप है जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कह रहे हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ पे है, पाइलोरिक पोर्शन और ड्यूओडेनम के दरमियान एक मस्कुलर फ्लैप है जिसे हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहेंगे। यहाँ मैं लेबल कर रही हूँ बेटे, इस स्फिंक्टर को हम क्या कह रहे हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, फंक्शंस ऑफ स्टमक की तरफ, कि अब ये जो स्टमक है ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो बेटे इसके फंक्शंस में है, नंबर वन डाइजेशन, सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डाइजेशन, डाइजेशन के बाद है नंबर टू, दूसरा फंक्शन इसका है चर्निंग, और नंबर थ्री तीसरा फंक्शन है बेटे मेल्टिंग। अब हम वन बाय वन इस तीनों फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डाइजेशन किस तरह से होती है स्टमक के अंदर, कौन सा फूड का पार्ट है जो स्टमक में डाइजेस्ट होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि चर्निंग जिसे कहते हैं, और नेक्स्ट है मेल्टिंग, और स्टमक में किस चीज़ की मेल्टिंग होती है। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं डाइजेशन, नंबर वन पहला फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे डाइजेशन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटे, जब हमने ओरल कैविटी पढ़ा था तो ओरल कैविटी में जो मैस ऑफ फूड बना है उसे हमने नाम दिया था बोलस का।
तो अब यहाँ पे जो मैस एंटर होगा उसे हम बोलस के नाम से जानेंगे कि ये क्या है, बोलस है जो स्टमक में एंटर हो रहा है। अब डाइजेशन है बेटे, व्हेन फूड एंटर इनटू द स्टमक, जब जो फूड है वो जो बोलस है ये एंटर होगा इनटू स्टमक, स्टमक के अंदर जब ये एंटर होगा, अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं स्टमक के, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सक्रीट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करेंगे बेटे, गैस्ट्रिक जूस सक्रीट करना शुरू कर देंगे। अब बेटे गैस्ट्रिक जूस क्या है, गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक के अंदर एक सक्रीशन है जो कौन कौन जिसमें होता क्या क्या है, नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने जैसे ही बेटे बोलस एंटर होगा कहाँ पे, स्टमक के अंदर ये फूड का पार्टिकल एंटर हुआ है, फौरन ही क्या रिलीज होना शुरू हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होना शुरू हो जाएगा। कौन रिलीज करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करेंगे। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या है बेटे, गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ, गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सी चीजें हैं, नंबर वन इसके अंदर है बेटे म्यूकस, नंबर टू दूसरा क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है बेटे, दैट इज HCl, इसके अंदर एक तो म्यूकस है गैस्ट्रिक जूस में, नंबर टू दूसरा क्या है HCl, नंबर थ्री तीसरा क्या है, देर इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस में, जिसको क्या नाम देते हैं, जिसको कहते हैं बेटे कॉल्ड पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन। और यहां मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं बेटे इनएक्टिव, ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूं बेटे इनएक्टिव का क्या मतलब है। डाइजेशन में सबसे पहले फूड एंटर हुआ स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने क्या किया, गैस्ट्रिक जूस बना लिया, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें हैं, म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसे हम पेप्सिनोजिन कहते हैं। अब ये जो बेटे पेप्सिनोजिन है ये क्या है, इनएक्टिव होता है, जैसे ही पेप्सिनोजिन HCl के साथ रिएक्ट करता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। अब ये जो HCl के साथ रिएक्ट करने की रीज़न है बेटे वो एक्चुअली pH है, जब स्टमक जब एंजाइम को उसका ऑप्टिमम pH मिलेगा एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, और ऑप्टिमम pH कौन प्रोवाइड करता है HCl। अब मैं नेक्स्ट लाइन बेटे लिख रही हूँ, ये जो पेप्सिनोजिन है, पेप्सिनोजिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में पेप्सिनोजिन क्या हो जाता है, इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, ये क्या करेगा इनटू एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा HCl की मौजूदगी में, और उस एक्टिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एक्टिव फॉर्म को कहते हैं बेटे पेप्सिन। पेप्सिनोजिन क्या है, इनएक्टिव है, जैसे ही बेटे HCl आएगा जो कि गैस्ट्रिक जूस में मौजूद है वो HCl इस पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। अब इस पेप्सिन का नाम काम क्या है बेटे, पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो पेप्सिन क्या करेगा प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देगा। तो अब हमारे बाइट में जो हमने जो भी चीज़ खाई थी अगर उसमें प्रोटीन मौजूद है तो पेप्सिन उस प्रोटीन को तोड़ देगा पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अमाइनो एसिड्स के अंदर। यहां तक बेटे कोई क्वेश्चन हो, अच्छा जी नेक्स्ट हमने अब रिपीट कर रही हूँ एक दफा फिर से। डाइजेशन जो है, डाइजेशन स्टमक में फूड का कौन सा पार्ट डाइजेस्ट हो रहा है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो रही है, वो किससे हो रही है कि गैस्ट्रिक जूस एक सक्रीशन है जो स्टमक के अंदर रिलीज होती है जिसमें तीन चीज़ें मौजूद हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव एंजाइम है, जैसे ही ये पेप्सिन के साथ रिएक्ट करेगा ये एक्टिवेट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। अब ये जो पेप्सिन है अगर हमारे फूड में प्रोटीन मौजूद है तो पेप्सिन जो है उस प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देगा और डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहीं से आगे बेटे दो फंक्शंस हमारे रह गए हैं, चर्निंग और मेल्टिंग, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके बेटे अल्लाह हाफिज़।